तो तीन सेंट्रल टेंडेंसी नाइन्थ क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन मोड। लेकिन वो मीन मीडियन मोड हमने पढ़े थे अनग्रुप्ड डाटा के, अनग्रुप्ड डाटा के। टेंथ क्लास हम इन्हीं तीन सेंट्रल टेंडेंसीज को, मीन मीडियन मोड को डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, मान लीजिए आपके पास ये तीन, एक स्टूडेंट्स ने तीन कॉन्जुकेटिव टेस्ट में 17, 15, 18, 20 और ये चार टेस्ट के अंदर किसी स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेंड किए कॉन्जुकेटिव फोर यूनिट टेस्ट में, जो कि मैक्सिमम 20 मार्क्स के हैं। तो इनमें मीन अगर आप उस बच्चे का फाइंड करेंगे तो फिर था फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 17 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 अपॉन 4। ये मीन फाइंड किया था वन ग्रुप डाटा का, कि नहीं भी यहाँ चार डाटा हमारे पास हैं। ये चार डाटा क्या हैं, चार कॉन्जुकेटिव टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए किसी बच्चे ने 17, 15, 18 और 20, इनका जो मीन मार्क्स है या मीन जो डाटा फाइंड करेंगे वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया 32, 70 अपॉन 4 हो गया। 17 प्लस 15 32 प्लस 18 50 प्लस 20 70 अपॉन 4। इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 यहाँ 35 और मीन मार्क्स इसका मतलब उस स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए 17.5 मार्क्स 20 में से आउट ऑफ 20। ये चार टेस्ट के डाटा से, पांच के भी ले सकते हैं, इसी तरह क्लास के डाटा का भी मीन निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारे अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं हम। टेंथ क्लास में हम पढ़ेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में आपके पास डिफरेंट क्लास इंटरवल्स होंगे, फ्रीक्वेंसीज होंगी, उसके अंदर क्लास मार्क्स भी यानी मिड वैल्यूज भी फाइंड करना आपको आना चाहिए। वो भी नाइन्थ क्लास में आप पढ़े थे क्लास मार्क या मिड वैल्यू, ये होती है एल एल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क या मिड वैल्यूज किसी भी इंटरवल की होती थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लास साइज होता था, क्लास साइज या क्लास विड्थ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका हम एग्जांपल लेके एक मीन फाइंड करना सीखते हैं, क्लास मार्क, मिड वैल्यूज, क्लास साइज, उसके सभी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, मार्क्स किसी बच्चे के दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 0 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और ये जो है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 2, 4, 7, 6, 1। तो इस ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच क्लास इंटरवल्स हैं। ये पहला क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है और फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 10 और 20 के बीच मार्क्स ऑब्टेन किए वो 2। यहाँ भी सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट 20 है, अपर 30 है।
इसी तरह आपसे किसी भी इंटरवल की लोअर या अपर लिमिट पूछी जा सकती है। मान लीजिए फोर्थ की कह रहा है तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ क्लास इंटरवल ये है 40 से 50, इसकी लोअर लिमिट 40 और अपर लिमिट 50। अब मेन ग्रुप डाटा का फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस मार्क्स का जो है मिड वैल्यूज एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई या मिड वैल्यूज कहते हैं इसे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी जो क्लास मार्क का फॉर्मूला है वो उसी से, लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 20 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास 30/2 यानी 15। तो किसी भी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है आपको या क्लास मार्क निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो पहली मिड वैल्यू आई आपकी 15। क्लियरली मिड वैल्यू इसलिए है कि 10 और 20 की जो मिडल टर्म है वो 15 है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड का निकालें तो ये मिड वैल्यू होगी 20 प्लस 30 अपॉन 2 यानी 25, क्योंकि 30 प्लस 20 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो दूसरी मिड वैल्यूज आई 25। अब आप देख सकते हैं कि 20 और 30 के बीच में जो मिड वैल्यू है वो 25, यहाँ 35, 45 एंड सो ऑन और 55, ये डिफरेंट मिड वैल्यूज आ गई अलग अलग क्लास इंटरवल की। तो मिड वैल्यू किसी भी इंटरवल की निकालनी कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, 2, 4, 4, 7, 6 और 1। तो मिड वैल्यूज आपने इंटरवल्स की निकाल ली, फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है 2, 4, 6, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे मिड वैल्यूज को एक्स आई से। फिर आप एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई, कोरस्पोंडिंग मिड वैल्यू को कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 इंटू 2, पहला आएगा 15 इंटू 2 इट विल बिकम 30, सेकेंड ऐसे 25 इंटू 4 ये आएगा 100, सिमिलरली थर्ड 35 इंटू 7 ये 245, 45 इंटू 6 270 एंड इन द लास्ट 55 इंटू 1 बिकम्स 55। तो ये आपके पास एक्स आई आपने निकाल लिया, एफ आई फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, नो प्रॉब्लम, मिड वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेन निकालने के लिए हमें एक तो मिड वैल्यूज पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज सब में दी हुई होंगी, फिर आपने फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। अब आप इनका सम फाइंड कर लेंगे और इसे हम कहेंगे समेशन एफ आई। ये जो साइन है समेशन का है, समेशन एफ आई का सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, इनको ऐड कीजिए, 2 प्लस 4 6 प्लस 7 13 19 और 1 20। तो आपने इन सबको ऐड कर लिया, प्लस कर लिया, ऐड किया तो यह है 20। सिमिलरली इनकी भी एक्स आई इंटू एफ आई वाली जो टर्म्स है इनका भी सम निकालेंगे, समेशन निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो गया 130, 30 प्लस 100 फिर 245, फिर थर्ड है 270 एंड इन द लास्ट 55, इनको ऐड कीजिएगा 5 और 5 10 1 कैरी, ये हो गया 4 और 4 8 15 और 5 22। तो ये आपके पास एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट का जो सम है वो आया 700। यानी दो टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, एक तो एक्स आई इंटू एफ आई जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग निकाले इन सबका सम, इसे रिप्रेजेंट करेंगे समेशन एक्स आई एफ आई से, इसी तरह एफ आई का सम समेशन एफ आई से। तो अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, पहली बात तो मीन को जनरली एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फॉर्मूला है
ये होगा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। और ये जो मेथड है मीन निकालने का, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो आपको एक्स आई इंटू एफ आई का सम चाहिए, वो हमने निकाल दिया 700, और एफ आई का सम चाहिए वो भी हमने निकाल लिया 720। तो मीन हमारे पास आ गया 700 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 35। इसका मतलब ये जो डाटा हमें दिए हुए थे इनमें जो मीन मार्क्स आएगा, मीन मार्क्स जो बच्चे ने ऑब्टेन किए वो है 35। कितने हैं? 35। अब ये तो है डायरेक्ट मेथड से आप ग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये क्लास इंटरवल ज्यादा हुए या ये जो वैल्यूज भी हुई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बड़ी टर्म हुई, तो फिर हम डायरेक्ट की बजाय दूसरा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। उसका नाम भी, तीन नाम उसके हैं, शॉर्टकट, डेविएशन या अज्यूम मीन, वो हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस सम को हम उस इस मेथड से नहीं कर सकते। सम, सभी सम्स को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कम होनी चाहिए और जो वैल्यूज है टर्म की वो भी स्मॉल होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा सेफ होगा, ज्यादा जल्दी आप फाइंड कर पाएंगे। अगर वैल्यूज ज्यादा बड़ी है तो अज्यूम मीन मेथड निकालना पड़ेगा। उसके लिए मान लीजिए आप एक सम जो है लिखते हैं, ये डेली वेजेस इन रुपीस ये दिया हुआ है, डेली वेजेस इन रुपीस, और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। इनका हमें क्या करना है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डेली वेजेस जो 50 वर्कर्स फैक्ट्री का जो है डेली वेजेस दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये मान लीजिए 5 क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमने और इनकी फ्रीक्वेंसीज जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 12, 14, 8, 6, 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो मीन ही फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने कहा था पहला मेथड जो मीन निकालने का था वो था डायरेक्ट मेथड। एक्स बार मीन का सिंबल है समेशन एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा मेथड है, ये तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है शॉर्टकट, शॉर्टकट कहें या डेविएशन मेथड कहें या अज्यूम्ड मीन कहें, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीन नाम है इसके, शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। इस सब को भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं अब शॉर्टकट मेथड, तो वो भी अब सीख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था पहले आपको एक्स आई यानी मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी। पहला इंटरवल ये है 100 से 120, इसकी पहली मिड वैल्यू आएगी क्या 110। कैसे निकालते हैं वो अभी बताया था, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 220 अपॉन 2 यानी 110। इसके बाद अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, यहां माइनस करेंगे 20 आएगा, यहां भी माइनस करके देखिए 20 आएगा, यहां भी माइनस कीजिएगा 20 आएगा, यहां भी माइनस कीजिएगा 20 आएगा। यानी हर क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे तो जो आपके पास टर्म आती है वो कहलाती है क्लास साइज। क्या कहलाती है? क्लास साइज और क्लास विड्थ, और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एच कैपिटल स्मॉल।
तो पहले आप एक्स आई फाइंड कर रहे थे, अब हम ये पहला एक्स आई आगे वाला टेन जो क्लास साइज है वो, क्योंकि इसमें 20 है तो अब आगे अगर आप नहीं भी करना चाहते तो 20 इसमें ऐड करते जाइए। पहला आपने एक्स आई निकाल लिया, उसके बाद क्लास साइज देख लीजिएगा कितना है, तो क्लास साइज इसका 20 है, 20 ऐड करते जाइए, अगले इंटरवल आते जाएंगे 130, 150, 170 और 190, यानी ये पांच मिड वैल्यूज डायरेक्ट आ गई, सिर्फ हमें एक की निकालनी पड़ी, उसके बाद हमने 20-20 ऐड करते चले जाएंगे, मिड वैल्यूज आती जाएंगी। चाहे आप सॉल्व वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू 190 होगी, आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, 180 प्लस 200 अपॉन 2 यानी ये आ गया 190, 380 को 2 से डिवाइड करेंगे। F5 फ्रीक्वेंसीज हैं इसमें 12, 14, 8, 6 और 10, क्योंकि हम शॉर्टकट या डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो डेविएशन में एक तो आपको मिडल टर्म एक्स आई की कोई सपोज करनी पड़ेगी, मान लीजिए ये लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, ये कौन सी सपोज करनी है इनमें मिडल टर्म, अब यहां तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टर्म्स हैं, इसलिए मिडल टर्म सीधी थर्ड होगी, उसको ये लेट कर लिया। अगर 6 होती तो आपकी मर्जी थर्ड या फोर्थ, लगभग मिड में इस वैल्यूज को सपोज करना है, मान लीजिए ये ए सपोज कर लिया मिड में 150, तो पहले डेविएशन निकालेंगे आप डी आई का फॉर्मूला होगा एक्स आई माइनस ए, डी आई का फॉर्मूला क्या होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई आपने ले लिया यहाँ पे पहला इंटरवल का, अगर आप देख रहे हैं तो पहला डी वन आपके पास आएगा 110 पहला एक्स आई है, माइनस ए 150 आपका है, तो ये सॉल्व करेंगे माइनस 40 आ गया। सिमिलरली अगले में सॉल्व करेंगे 130 माइनस 150 यानी माइनस 20 आ गया, 150 माइनस 150 जीरो आ गया, यहाँ से भी 170 माइनस 150 20 आ गया, यहाँ से 190 माइनस 150 40 आ गया। तो डी आई सबसे पहले डेविएशन, डी आई की फुल फॉर्म में डेविएशन निकाल लेंगे, डेविएशन की पहली डेविएशन की वैल्यू डी वन आया माइनस 40, डी टू आया माइनस 20, डी थ्री आया जीरो, डी फोर आया प्लस 20 और 40। तो उसके लिए एज तो फिक्स है, एज तो आपने लेट किया 150, तो यहाँ पे 150 रहेगा, एक्स आई कौन एक्स वन पहले, तो एक्स वन ये, फिर एक्स टू है ये, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, तो एक्स वन ले लिया माइनस ए, फिर एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए, इस तरह से डेविएशन निकाल लेंगे। फिर आप एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई को, तो एफ आई ए और डी आई ए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी 480, कितनी आएगी माइनस 480, क्योंकि 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 480। सिमिलरली माइनस 20 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यू विल गेट 280 माइनस का, 8 को 0 से करेंगे 0, 6 को 20 से करेंगे 120 और 10 को 40 से करेंगे 400। अब वही इनका सम निकालेंगे, समेशन एफ आई, ये तो 50 आएगा, ऐड करके देख लीजिएगा, और इनका सम निकालेंगे समेशन एफ आई डी आई, तो ये हमारे पास, अब देखिए ये प्लस की टर्म है इनको अलग ऐड कीजिए 520, ये नेगेटिव टर्म है इन्हें अलग ऐड करेंगे 0 माइनस 760, तो ये नेगेटिव टर्म है अलग ऐड कर ली माइनस 760, ये प्लस की है अलग ऐड कर ली क्योंकि सेम साइन वाली टर्म ऐड होती है, अब ये सबट्रैक्ट होगी तो आपके पास आएगा माइनस 06 माइनस 240 आ गया। क्या आ गया समेशन एफ आई डी आई। इस शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला अब होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ए आपने लेट किया हुआ है, कितना लेट किया हुआ है 150, तो ए को रिप्लेस कर दिया 150 से, प्लस समेशन एफ आई डी आई ये आपके पास आया माइनस 240 और अपॉन ये है 50,
इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, आपके पास क्या बच गया 150। यहां प्लस माइनस साइन हो गया माइनस का, 150 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 24 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे ये आएगा 4.8, और क्योंकि माइनस का है क्योंकि इसलिए आया प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से 150 का मतलब 150.0, इसमें से 4.8 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 145.2। तो ये जो है मीन वैल्यू होगी, मीन एक्स बार इज इक्वल टू होगा फिर 145.2। ये मीन निकालने का मेथड है, दूसरा डायरेक्ट मेथड है, तो पहले कराया था शॉर्टकट मेथड है या जो मीन मेथड कहेंगे। इससे अब आप एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।